चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं हैं। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है, फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4th जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन June 4th। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा, ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, व्हाई डिड पीएम एंड एचएम गिव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू द 5 करोड़ फैमिलीज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट? इज इट देयर जॉब टू गिव इन्वेस्टमेंट एडवाइस? सेकंड,
Why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. Rahul Gandhi ji ne ek press vaarta kar Bharatiya Janata Party aur hamare netaon par anap shanap aarop lagaye. लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, कहां फ्रेजाइल 5 और आज टॉप 5, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस बात को आज स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और यह साधारण उपलब्धि नहीं है। पूरा विश्व इसको गहराई से देख रहा है, बड़ी गंभीरता से देख रहा है, समझ रहा है कि ये आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है, और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं।